स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको भी लॉग लगा के ही बनाना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग मत लगाना, क्योंकि सवाल यू प्लस वी के रिस्पेक्ट, यहाँ प्लस है ना, तो जब प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगाने का, ठीक है ना। तो आप पहले मान लो 7 में वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स। अब इसको मानो लेट u बराबर log x टू द पावर x एंड v बराबर मान लो x टू द पावर log x। अब बारी बारी से log लगाओ, when u बराबर log x टू द पावर x, ठीक है, या फिर लिखो सीन्स u बराबर log x पे पावर x। अब दोनों तरफ क्या कर दो, log लगा दो, टेकिंग log बोथ साइड। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, log u इज इक्वल टू log log x टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, log u बराबर x log log x होगा, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d log u का डिफ्रेंसिएशन u के रिस्पेक्ट में, और u का डिफ्रेंसिएशन फिर x के रिस्पेक्ट में। देखो इसको u इंटू v पे तोड़ना, इसको u मान लो, इसको v, तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। अब प्लस डी लॉग लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन डी लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर डी लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटू फिर कितना एक्स, ठीक है। इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए 1 बाई यू बराबर डी यू बाई डी एक्स बराबर 1 इंटू लॉग लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1 बाय लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स। अब देखो एक्स एक्स क्या करो, आप कैंसिल कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स यहां से निकाल लेना, तो यू इंटू लॉग लॉग एक्स और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करो, यू का मान डाल दीजिए, इसलिए डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स, देखो यू का वैल्यू डालिए, यू का वैल्यू कितना है लॉग एक्स टू द पावर एक्स। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो ना, एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, ये लॉग एक्स ऊपर आ जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये लॉग एक्स पे पावर कितना है 1, तो जब बेस बराबर रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो लॉग एक्स पे पावर x माइनस 1 log x log log x, अब प्लस क्या लिखोगे 1, ये निकल गया du by dx। नाउ v बराबर क्या आपने कंसीडर कर रखा है, x टू द पावर log x, फिर से दोनों तरफ log लगाओ, टेकिंग log बोथ साइड। तो देखिए जब दोनों तरफ log लगाएंगे तो क्या लिखिएगा, log v बराबर log x टू द पावर log x। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो log v बराबर, ये log x आगे आ जाएगा, तो log x इंटू log x, log x इंटू log x क्या हो जाएगा बच्चों, log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखिएगा इसको, d log v बाय dv इंटू dv बाय dx बराबर d log x का होल स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डी लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर डी लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स कर दीजिए यहाँ पे, और लॉग एक्स का कितना 1 बाय एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो ना, वी इंटू 2 लॉग एक्स और अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब क्या किया जाए, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, वेरी गुड। तो v का मान डाल दीजिए, v का मान कितना है x टू द पावर लॉग एक्स, ये है 2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x। अब देखो ये यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो बेस बराबर है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x पे पावर लॉग एक्स माइनस 1 होगा, इंटू यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 लॉग एक्स। अब देखिए dv बाय dx भी निकल गया, du बाई डी एक्स भी निकल गया, तो अब आपको क्या करना है, आंसर दे देना है। तो आंसर इसको नोट कर लेंगे पहले आप,
ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इसलिए डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स देखो क्या है, ये वाला टर्म है, लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स प्लस वन प्लस डी वी बाई डी एक्स देखो ये है एक्स पे पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू है टू लॉग एक्स। तो यही हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों 8 कैसे बनाइएगा, 8 में दिया है y इज इक्वल टू, y हम लोग खुद से फंक्शन कंसिडर करते हैं साइन एक्स पे पावर x और ये है साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो देखो यहाँ पे तो मानना पड़ेगा इसको क्योंकि साइन एक्स पे पावर x है, ठीक है। अगर कोई डिजिट रहता तो हम लोग तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो क्या करो, लेट y बराबर यू प्लस v मान लो, इसलिए u का मान क्या निकलेगा साइन एक्स पे पावर एक्स। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग यू बराबर देखिए लॉग साइन एक्स पे पावर क्या कर दो एक्स, तो लॉग यू बराबर लिखना एक्स लॉग साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी लॉग यू बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स बराबर देखो डी एक्स बाय डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब प्लस हो जाएगा बच्चों डी डी एक्स बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा डी लॉग साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इंटू डी साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू एक्स। तो देखिए क्या लिखिएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन इंटू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स का वन बाय साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या लिखिएगा यू इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। और ये प्लस देखो एक्स कॉस बाय साइन क्या लिखिएगा कॉट एक्स। अब यू का वैल्यू डाल दो, यू का वैल्यू कितना है साइन एक्स पे पावर एक्स, ये लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट। एक चीज ध्यान देना, हो सकता है आंसर में क्या करेगा ना कॉस बाय साइन को कॉट ना करके यहाँ पे वन लेके एलसीएम ले लेगा और फिर यहाँ पे साइन एक्स पे पावर एक्स माइनस वन भी करेगा, तो वो भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको जो अब आंसर मुझे पता नहीं एनसीईआरटी ने क्या दिया है, बट अगर आंसर मैच नहीं करता है तो आप यहाँ पे क्लियर करना, इसको क्या करना साइन एक्स को एलसीएम के रूप में ले लेना और साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब यू लिखिएगा तो इसके बट्टा में साइन एक्स रहेगा उसमें पावर वन तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं हिंट्स दे दिया आपको, ठीक ऐसे ये प्रॉपर मेथड है पूरा, हम लोगों ने सॉल्व करके दिखा दिया किसका वैल्यू डी यू बाय डी एक्स। अब देखो नाउ भी बराबर क्या लिखे हो साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसको तो डायरेक्ट आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं चूंकि साइन इनवर्स का आपको पता है, तो डिफ्रेंसिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी साइन इनवर्स रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साइन इनवर्स का होता है वन बट्टा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन बट्टा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, तो ये क्या होगा वन बट्टा अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू वन बाय टू अंडर रूट एक्स, ये वन बाय टू इंटू दोनों को रूट में भेज दो तो एक्स इंटू वन माइनस क्या हो जाएगा एक्स। इस तरीके पे डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, इसलिए डी यू बाय डी वाई बाय डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाय डी एक्स डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स होगा, ठीक है। देखो तो डी यू बाय डी एक्स का मान डाल दीजिए यहां से साइन एक्स टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों लॉग साइन एक्स प्लस
एक्स कॉट एक्स प्लस भी, भी का मान देखो 1/2 इंटू 1/ अंडर रूट एक्स इंटू 1 - x। ठीक है, देखो ये दोनों एक रूट में हमने कर दिया था, इसलिए एक रूट में है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा dy/dx। ओके, थैंक यू।